गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पैरकिट्स के बारे में, इंडियन पैरट्स जो होते हैं इसके बारे में। इसके बारे में बहुत लोग अक्सर पूछा करते हैं और कई लोग रखते भी हैं। लेकिन गाइस, एक चीज़ आपको मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि इंडियन पैरट्स या इंडियन कोई भी बर्ड 1991 में ही जो है किसी भी तरह के ट्रेड है या पालना, कोई भी इंडियन अगर स्पीशीज है अगर आप उसका ट्रेड करते हैं या उसको जो है पालते हैं तो वो इलीगल है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, जो इंडिया में टोटल 12 स्पीशीज है पैरेट्स की, जिसमें से 8 स्पीशीज तो बहुत ही कॉमनली दिखती है और मतलब आपको मिल भी जाएगी। और इन 8 टाइप्स ऑफ पैरेट्स का जो है इलीगल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ईजिली आपको जो है नेचर में दिख भी जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए हैं गाइस, ये काफ़ी रेयर है। और 3 तो इसमें बहुत ही रेयर है जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कगार पे है और दिखना भी इनका बड़ा मुश्किल है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अलेक्जेंड्रिया पैरेट की। अलेक्जेंड्रिया पैरेट, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये अलेक्जेंड्रिया पैरेट है गाइस, और इसकी काफ़ी डिमांड होती है। ये नेटिव जो है ये भी बेसिकली अपने एशियन कॉन्टिनेंट और इंडिया में ही पाया जाता है, और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के रास्ते जो गाइस, पाकिस्तान, इन सब के रास्ते इनका जो है इलीगल ट्रेड होता है। जो दूसरे है गाइस वो है रोज रिंग। इनकी भी लाइफ स्पैन गाइस अराउंड 20 से 30 साल होती है इन पैरेट्स की लाइफ स्पैन, और ये भी अपने एशियन कॉन्टिनेंट और स्पेशली इंडिया में ही पाए जाते हैं। जो तीसरा है गाइस वो है प्लम हेडेड पैरकिट्स। जो है प्लम हेडेड पैरेट्स जो है ये गाइस सुंदर होते हैं, और इसमें मेल और फीमेल जो है दोनों आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है गाइस। इनके हेड के कलर जो होते हैं उससे इनमें जो है बहुत ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा। और इनकी लाइफ स्पैन गाइस 15 से 20 साल होती है। जो अगला है गाइस वो है रेड ब्रेस्टेड। जो है रेड ब्रेस्टेड पैरेट जो है ये, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है गाइस वो है 15 से 20 साल, ये भी चलते हैं। इसके बाद गाइस जो अगली वैरायटी ऑफ पैरेट इंडिया में मिलती है गाइस, ये है मालाबार। मालाबार पैरेट जो है ये मालाबार कोस्ट वाले रीजन में ही या साउथ सदर्न पोर्शन में मिलते हैं, और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। इनकी भी लाइफ स्पैन 15 से 25 साल की रहती है। इसके बाद गाइस ये है हिमालयन पैरेट्स। जो है हिमालयन पैरेट्स भी अपने इंडिया में हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद गाइस है वर्नल हैंगिंग पैरेट। ये वर्नल हैंगिंग पैरेट को इंडियन लॉरिकेट भी कहा जाता है गाइस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये अपने जो है एक्टिविटीज़ के चलते इसका नाम जो है वर्नल हैंगिंग पैरेट बना है, और इसकी काफ़ी तक जो है वो लॉरिकेट से रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको इंडियन लॉरिकेट भी कहा जाता है गाइस। और इसकी लाइफ स्पैन 10 साल की होती है। अब बात करते हैं गाइस कुछ ऐसे पैरेट्स की जो बहुत ही एंडेंजर्ड है या मतलब बहुत ही रेयर है, और इनकी संख्या बहुत ही कम है, और इनको जो है IUCN की जो है लिस्ट में भी डाला गया क्योंकि ये एकदम थ्रेट में है, एकदम एक्सटिंक्शन के कगार पे है। जिसमें से पहला है गाइस निकोबार पैरेट। निकोबार पैरेट गाइस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये निकोबार पैरेट है, और ये बहुत ही रेयर है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में इनकी जो गिनती होती है ये। और ये जो है अपने इंडियन इंडिया में मिलता है और एशियन कॉन्टिनेंट्स में थोड़ी जगह मिल जाते हैं कहीं कहीं। और उसके बाद गाइस दूसरा है लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल की बात की जाए तो गाइस इसकी भी जो लाइफ स्पैन है काफ़ी लंबी है, ये जो है 25 से 30 साल तक इनकी लाइफ स्पैन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इनका भी नाम इनके टेल के ऊपर पड़ा है, इनकी टेल काफ़ी लंबी होती है। और जो तीसरा है गाइस वो है डर्बिस पैराकीट। डर्बिस पैराकीट भी गाइस, इसका लाइफ स्पैन 20 से 30 साल होता है, और ये भी बहुत रेरी है दिखना, आजकल तो दिखना ही बंद हो गए हैं। तो होप गाइस ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जो टोटल 12 इंडियन स्पीशीज है इसके बारे में मैंने आपको जो नॉलेज दिया अच्छा लगा हो। और गाइस एक चीज़ आपको फिर बताना चाहूँगा कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किसी भी तरह के इंडियन बर्ड्स का ट्रेड करना या इंडियन बर्ड्स को कैप्चर करके रखना इलीगल है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो और कोई आपके खिलाफ शिकायत करता है तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा सकती है। तो गाइस इंडियन बर्ड्स को जो है कभी भी आप जो है केज में बंद करके या इसका ट्रेड मत करिए गाइस। और होप गाइस अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।